प्रणाम सतगुरु जी अमेरिका में एक कार्यक्रम चल रहा है वैश्विक दुनिया से हिंदुत्व का खात्मा आप हमें क्या सुझाव देंगे इस स्थिति में आप हमें क्या मार्गदर्शन देंगे वो तो पिछले 800-900 सालों से यही कहते आ रहे हैं तो क्या हो गया <laughs> वो पिछले करीब 1000 सालों से हिंदुत्व या हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं हम आज भी हैं हमें इसे मजबूत करना होगा दूसरे लोगों के कामों की चिंता ना करें हमें इसे मजबूत करके इसे आकर्षक बनाना होगा ताकि लोग इसे अपनाएं हमें जाति और पंथ के सभी भेदभाव खत्म करने होंगे ताकि सभी इंसान हिंदू ढांचे के भीतर गरिमा के साथ रह सकें अगर हमने ऐसा नहीं किया तो लोगों को निश्चित रूप से खो देंगे हिंदुत्व का खात्मा अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है उनकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता तोड़ने का यही समय है और ये बहुत जरूरी है किसी ने मुझसे पूछा एक साथ कैसे काम किया जाए साथ मिलकर काम करने का यही तरीका है सभी सीमाओं को तोड़ देना ताकि आप लोगों को उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके गुणों से पहचाने अगर आप ये एक काम करें तो कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता क्योंकि हिंदू ही पूरी दुनिया का भविष्य है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज दुनिया में युवा बहुत तार्किक हो गए हैं इंसानी बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि अब उन्हें कोई भी तर्कहीन चीज स्वीकार नहीं है तो तर्कहीन बातें और स्वर्ग का लालच अब ये चीजें नहीं चलेंगी अब कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता ये एक संस्कृति है जिसने मानव सिस्टम को इतनी गहराई से समझा है और अगर इसे दुनिया को ठीक से भेंट किया जाए तो यही दुनिया का भविष्य होगा क्योंकि एक विकसित बुद्धि को सिर्फ यही चीज पसंद आती है क्योंकि ये कोई विश्वास प्रणाली नहीं है बल्कि ये खुशहाली का विज्ञान और तकनीक है ये ये जीने का और मुक्ति पाने का विज्ञान और तकनीक है तो ये अतीत की बात नहीं है मैं चाहता हूं कि आप सभी हमेशा इसे याद रखें कि सनातन धर्म अतीत की चीज नहीं है यह अतीत की परंपरा नहीं है ये परंपरा नहीं है ये हमारा भविष्य है अगर हम इसे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है ऐसों से लड़ना जरूरी नहीं है मैंने सुना है कि बैंगलोर शहर में आजकल बहुत सारे कुत्ते हैं इस पर कुछ रिपोर्ट भी है वे लोग भोंगते हैं पर उनसे लड़ना जरूरी नहीं है बस उन्हें अकेला छोड़ दें जो मूल्यवान है आप उसे मजबूत बनाएं हमें अमूल्य चीजों को मजबूत करना होगा वे चाहे जो करें वे हजारों सालों से कर रहे हैं पर हिंदुत्व का खात्मा अमेरिका के विश्वविद्यालयों में नहीं बल्कि हमारे गांव और कस्बों में हो रहा है और इसका मुख्य कारण है हमारे समाज में मौजूद भेदभाव इसमें अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और उन दीवारों को तोड़ दें जो हमें बांटती हैं तो इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता